हाय गाइस, वेलकम बैक टू बेस क्वीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा मैक पफ रेसिपी, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों को बेहद पसंद है। इसकी खास बात यह है कि जितना खाने में टेस्टी लगता है, उतना ही बनाने में आसान है। आपको बस मेरी वीडियो को फॉलो करना है, फिर आप देखेंगे कि इसको घर पर बनाना कितना आसान है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में 2 कप मैदा ले लेंगे। वेट में नापेंगे तो ये 300 ग्राम मैदा है। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच ऑयल। अब हम इनको हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाना है ताकि ऑयल आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सख्त डो लगा कर रेडी कर लेंगे। अब हम अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे। इसको हम जितनी अच्छी तरह से गूंदेंगे, पफ हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए, मैंने सख्त आटा लगा कर रेडी कर लिया है। इसमें मैंने पानी का यूज़ बहुत ही कम किया है। अब हम इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग रेडी कर लेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। 1/4 कप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लेंगे, 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर। इन सारी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। 2 से 3 चम्मच स्वीट कॉर्न्स, 1/3 कप बारीक कटे हुए टमाटर, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ सॉसेस, 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, 1/2 छोटी चम्मच शेजवान चटनी, 1 चम्मच चिल्ली सॉस, 2 चम्मच टोमेटो केचप। एक चम्मच ऑरेगानो, 1/2 छोटी चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। अब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हल्का सा पका लेंगे। ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है क्योंकि इसमें हमें क्रंच बनाए रखना है। इसको पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। स्टफिंग हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप अमूल की मोज़रेला चीज़ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर डाल देंगे। इसको रखे हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी 3 बड़ी बड़ी लोइयां तोड़ लेंगे और इनको किसी कपड़े से ढक कर रख देंगे और इसमें से हम एक बड़ी सी लोई लेंगे और दोनों हाथों से मसल कर इसको गोल कर लेंगे और इसको हल्का मोटा रोल कर लेंगे। इसको हम लंबाई में रोल करेंगे इस तरीके से। ध्यान रही है, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से रोल कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। मैं इसको स्केल की सहायता से कट करूँगी। आप इसको बिना स्केल के भी कट कर सकते हैं। बीच में से भी इसको इस तरीके से कट कर लेंगे।
अब हम इसके किनारों के ऊपर पानी लगा देंगे। देखिए इस तरीके से। और अब हम इसके बीच में स्टफिंग रख देंगे। और इसके ऊपर हम दूसरी लेयर रख देंगे और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए सील कर लेंगे। और अब हुक की सहायता से इसमें डिज़ाइन बना लेंगे। इससे होगा ये कि अच्छे से सील भी हो जाएगा और इसका लुक भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से हम सारे पफ बनाकर रेडी कर लेंगे। ये सारे मैक पफ बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर मैक पफ डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। इसकी साइड को बदल बदल कर हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करते हुए मुझे 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे मैक पफ फ्राई कर लेंगे। ये हमारे मैक पफ बनकर रेडी हैं। मेरी रेसिपी आप घर पर जरूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके मैक पफ कैसे बने हैं।